ब्रजे स्वरूपेण पुरा विजातम् प्रविश्य प्रातम् प्रिय प्राणनाथम् परेश पूर्णम् सततम् नमामि ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जाता शर्वश्वपाता भवसेन्दुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान् नवनीरधावात् पीताम्बरादरुणमीम्बपलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरमीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने ब्रजे प्रसीदं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचोरम् अनेकजन्मार्जितपापचोरं चौराजगण्यं सततं नमामि चौराजगण्यं सततं नमामि बन्दों सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम अश्वहरण मंगल करण श्रीदेव चंद्रेन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुवरी श्यामा युगल को पल पल करूं दई प्रदक्षिणाति गणी करूं दंडवत प्रणाम सौ साथ नाम मनोरथ बुरजो माराधनी श्रीधाम मनना मनोरथ पूर्ण किदा मारा ने कवार वारणी जय श्रृंदावती मारा तम नारि मारा तम नारि। आज वितक चर्चा के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और मंदिर के दोनों पुजारी जी हमारे संगीत मंडली और कमेटी के सभी सदस्यगण और बैजीराज मेला मंडल के सभी पदाधिकारीगण और हमारे तीर्थ स्वरूप बनी हुई गुरुजी मंगलदास जी महाराज के अनन्य शिष्या बहुत वृद्ध इनके दर्शन से ही पुण्य प्राप्त हो जाते हैं ऐसे पूज्यवती माता जी सावित्री बाई जी और उनको देख करके हम सबको प्रेरणा लेना चाहिए इस उम्र में भी कथा के लिए वो बैठ नहीं सकती चल नहीं सकती सुनाई भी कम देता है तो भी कथा छोड़ी नहीं अभी तक जब से मंदिर में कथा प्रारंभ हो गई सिनुड़ी मंदिर में तब से लेकर के और माता जी बोलती है मैं तो तब से हूँ जिस समय मंदिर बना ही नहीं था वो तो ना ईश्वर ना मूल प्रकृति वाली बात हो गई तब से मुझे माता जी कथा में आती है और सभी प्राणधार सुंदर साह जी को प्रणाम करते हुए अब मैं कथा प्रारंभ करता हूँ। ठीक 3:30 बजे मैंने कथा प्रारंभ की है तो 2 घंटा तो कथा होनी ही चाहिए तो देखते हैं। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया कि 85 राजाओं का समय
सुनाई दे रहा है ना, आवाज़ आ रही है, बोलना है कम है, थोड़ा सा बढ़ाइए। 85 राजाओं के समय व्यतीत होने के पश्चात आगे अवतार होएगा बुद्ध कल्कि सठम, निष्कलंक बुद्ध अवतार इस दुनिया में आएंगे, और आने के बाद में सभी को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, सभी जीवों को मुक्ति मिलेगी, और प्राणनाथ जी थोड़ा कम, प्राणनाथ जी को अखंड मुक्ति दाता कहा गया है। मुक्ति जैसे दो प्रकार की होती है, एक जो क्षणिक मुक्ति होती है, टेम्पररी मुक्ति होती है, एक हमेशा के लिए मुक्ति होती है। जैसे लौकिक हिसाब से देखा जाए तो अखंड मुक्ति माने सरकारी नौकरी जैसी, इसको तो आप सब जानते हैं, जिसको सरकारी नौकरी लगी हो उसके लिए कोई चिंता नहीं रहता, लेकिन जो प्राइवेट नौकरी करने वाले होंगे उसको हमेशा चिंता बनी रहती है। समझ गए? तो आज तक अखंड मुक्ति देने वाले इस दुनिया में आए नहीं थे, आने वाले थे, सभी शास्त्रों ने अगम वाणियों ने पुकारा, और आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम बुद्ध निष्कम का अवतार होगा बोलकर के कहा। कुछ लाना पुजारी जी तो प्रमाद। तो अब यहां आज तक जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय हैं, खास करके क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, ये कुछ लाना बजाने रुमाल लाना उड़ रहा है, और सनातन में भी कितने संत हो गए। तो सनातन परंपरा में और अन्य परंपरा में क्या अंतर है? आज से 2000 साल पूर्व ईसा मसीह का इस दुनिया में आना हुआ, उन्होंने कहा मैं परमात्मा का पुत्र हूं, मैं परमात्मा का पुत्र बनकर के आया हूं बोले, और ममद यहां आए, ममद ने कहा मैं मैसेंजर हूं, चिट्ठी लेकर के आया हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा आने वाले हैं ऐसा कहा, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? जो वो लोग आने वाले हैं बोलते थे मैं वही हूं, मैं परमात्मा हूं, भगवान श्री कृष्ण ने डंके के चोट में कहा मैं परमात्मा हूं। जब जब इस दुनिया में धर्म की ग्लानी होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। कब? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा। उसी कृष्ण, उसी परंपरा में, उन्हीं कृष्ण की परंपरा में कृष्ण ब्रज में थे, अरे 11 साल और 52 दिन तक वहाँ हमारे ही साथ में, भगवान श्री कृष्ण के साथ में हम लोगों ने खेला, एक रात्रि रास में खेले, और उसके बाद में तीसरी बार जागने के ब्रह्मांड में वही श्री कृष्ण कलेवर माने रूप बदल करके, स्वरूप बदल करके, शरीर बदल करके यहाँ आए प्राणनाथ जी के रूप में, और प्राणनाथ जी और कृष्ण में रति भर भी अंतर नहीं है, वही कृष्ण प्राणनाथ जी बन करके आए, और सुंदर सांस को जागृत करने का काम किया। तो ये सारी बातें आज की कथा में, चर्चा में हम लोग श्रवण करेंगे। श्री मामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे ओंकार।
आगे अपनी बिता का सो लीजे चित्तदार, सो लीजे चित्तदार। ब्रह्म सृष्टि का खेल में आगमन। अब कौ फिर के मूल में लगा की बिता का जैसे आज्ञा धन की सुबाता उजरक। पहले मूलाद्वत में वो मजा सका तहाँ प्रेम रब्द में भया कुमहका। यह खेल देखने की इच्छा उपजाई दोई अक्षर और सैन को आदि अनादि फल कयो सोई। ताकि तीन तकरार कै सुभ तीनों इंड ताकि वितक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब यहाँ लाला जी महाराज लिखते हैं अब को फेर के मूल मिलावे की वितक। अब मैं मूल मिलावा की वितक को आता हूँ, मैं मूल मिलावा की वितक का वर्णन करता हूँ। वो मूल मिलावा कैसा है, कहाँ है? आज तक इस शब्द को अनंत अनंत बार पृथ्वी बनी, अनंत अनंत बार प्रलय हो गई मिट गई, अनंत अनंत लोगों का जन्म लेना हुआ, अनंत लोगों का मरना हुआ, लेकिन मूल मिलावा शब्द सुनने को किसी को नहीं मिला। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं देखिए तो सही। आप एकांत में बैठकर के चिंतन करें तो सही, हमने कौन से जन्म में क्या पुण्य किया होगा, कौन सा दान दिया होगा, कौन सी तपस्या की होगी जिस कारण से आज हम लोगों को मूल मिलावा शब्द सुनने को मिला। और सुनने को ही नहीं मिला, देखने को भी मिला, अनुभव करने को भी मिला। और कितने सुंदर साथ को तो वहाँ प्रत्यक्ष इन्हीं चर्म चक्षु से परमधाम को देखना भी मिला। कितने भाग्यशाली थे होंगे, उसी परंपरा में हम लोग हैं। अब जो अब को फेर के मूल मिलावे के वितक का वो मूल मिलावा कहाँ है, कैसा होगा, कैसे पहुँचा जाया होगा, कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए आपको वाणी देखना होगा, वितक को सुनना होगा। जैसे परमात्मा के लिए पूर्ण मद पूर्ण विदम पूर्णा पूर्ण मदचते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते कहा, पूर्ण ब्रह्म कहा, सच्चिदानंद कहा, अखंडानंद कहा, ब्रह्मानंद कहा, दिव्यानंद कहा, सब कुछ कहा, शास्त्र में भरमार कहा। लेकिन वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है, लीला क्या करते हैं, अकेले रहते हैं, परिवार के साथ में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कितना बड़ा मकान होगा उनका रहने का, इस प्रकार का वर्णन प्राणनाथ जी के अलावा दूसरे संतों ने वर्णन नहीं किया, इशारा किया है, इशारा किया, इंगित किया। लेकिन परमधाम ऐसा है बोल करके कहने वाला आज तक दुनिया में नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया, इशारा में बताया। गीता जी के 15वां अध्याय को पुरुषोत्तम योग कहा। पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन नहीं बोलते, कृष्ण ही कृष्ण बोलते हैं। 20 श्लोक माने 40 लाइन में कृष्ण ही बोले, अर्जुन नहीं बोले। संसार रूपी वृक्ष की बात की, ऊर्ध मूल मद शाखा मस्वत्तम भावरभ छन्नान से यश प्रणान यस्तम वेद से वेद से वेद बोल के कहा। और फिर अर्जुन को कहा, अर्जुन मेरा भी घर है, तुम हस्तिनापुर नरेश हो, तुम कुंतीपुत्र युधिष्ठिर अर्जुन हो, और हस्तिनापुर के राजा हो, तो मैं परमधाम का राजा हूँ, मेरा भी घर है, मैं कोई रोड रोड में घूमने वाला नहीं हूँ। और मेरा घर कैसा है पता है, ऐसा कहा। हम सब अपने अपने घर में बैठते हैं,
सब अपने प्राइवेट घर में हम लोग रहते हैं, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी के कम सुविधा है, किसी के यहाँ ज़्यादा सुविधा है, और घर बिना का मैं अकेले हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं पीताम्बर धाम में रहता हूँ। गुरुजी पीताम्बर दास जी महाराज के घर में मैं रहता हूँ, मेरा घर नहीं है, है कि नहीं? जैसे स्वामी सदानंद जी महाराज हैं, गुरुजी का कहीं घर नहीं है, महाराज श्री सदानंद जी महाराज का घर नहीं है, उनको बोलो कहाँ रहते हो, तो रहते सब जग सब सुंदर साहब के हृदय में रहते हैं, उनका कोई घर नहीं है। 100 करता ज्यादा मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, गौशाला बनाए, लेकिन उनका घर नहीं है, हम लोग का घर नहीं होता है। घर वाले तो आप हो, बिल्डिंग वाले आप हो, हम लोग तो किसी ने बनाए हुए घर में रहते हैं। और कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरा भी घर है। और बिना घर के आदमी को कोई घर बना के देता तो अच्छे लगता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु कहाँ है, आपका घर का नाम क्या है? तो कृष्ण ने कहा, मेरा घर का नाम परम धाम है। और कैसा है? अरे मेरे घर में तो कोई चीज की कमी नहीं है, वह लकड़ी जलानी नहीं पड़ती, लाइट जलानी नहीं पड़ती, कोई सूर्य की जरूरत नहीं, चंद्र की जरूरत नहीं है। कृष्ण ने कहा, न तद्भासयते सूर्यो न शासानको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरा दिव्य परम धाम है। और वहाँ चंद्र सूर्य की कभी प्रकाश का जरूर नहीं है, चंद्र सूर्यों का वह स्वतः प्रकाशमय दिव्य धाम है मेरा, ऐसा कहा। और उस धाम की खासियत है, मेरे घर में जो आदमी पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद में मैं किसी को वापस भेजता नहीं हूँ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरा ऐसा धाम है जहाँ जाने के बाद में आना नहीं होता, ऐसा कहा। अर्जुन को इशारा किया तो उस परमधाम का वर्णन मामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी करते हैं, जिसको बीतक में कहा, अब कहो फेरे के मूल मिलावे की बीतक। हम उस मिल मिलावे की बीतक की बात कर रहे हैं, और लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, लिख रहे हैं लालदास जी। हम लोग तो कुछ किया तो मैं करते हैं ना, गुरुजी बोलते हैं, वो ढोलक और बकरी में थोड़ा अंतर होता है। बकरी जिंदगी भर मैं करती है, हैं? जब तक जिंदी थी तब तक मैं करती थी, और मरने के बाद में उसकी चमड़ी को नोच करके फिर उस चमड़ी से ढोलक को बनाया गया, तब उस बकरी को पता चला कि मैं जिंदगी मैं करती रही, पहले मैंने तू 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 बोला होता तो बहुत कुछ होता, और मरने के बाद में पता चला, और जब ढोलक की पिटाई की जाती है तो तुम 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 आवाज आती है ना। इसीलिए नादान लोग मैं करते हैं, समझदार लोग तुम 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 तू करते हैं, तुम ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लालदास जी महाराज उस स्थिति में पहुंचे हुए थे, मैंपना खत्म हो गया था, श्री जी के साथ में बैठते बैठते रात दिन उठना बैठना चर्चा सुनते सुनते मैं पिघल गया था। और जिसका मैं पिघलता है ना, आएगा चिंतामणि के प्रसंग में, ठट्ठा नगर के प्रसंग में आएगा, लेकिन सभी उस दिन नहीं होंगे तो इशारा कर देता हूँ। जिस दिन तारतम्य चिंतामणि को प्रण जी ने एक प्रकरण सुनाए, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहो समझाए इस प्रकरण को, उस समय उसको सुनने के बाद में चिंतामणि ने कहा, अब मारो रे काले कुत्ते को लाठी सिरों पर। कुत्ते को भगा के भागे, वो कुत्ता क्या था, अहंकार रूपी मई रूपी कुत्ते को डंडा मार करके उन्होंने भगाया। इसलिए लालदास जी का मई खत्म हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है,
जो कुछ भी हो रहा है राज्य के कृपा से हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं देखना। आप कुछ भी नहीं कर सकते हो सुंदर साथ जी, आपको पता नहीं, इसीलिए हम लोग मई करते हैं। और मैं भी मई को मिटाना खोज रहा हूँ। हमारे लल्ली जी पूछते रहते हैं, महाराज जो चाहिए बोलना, जो चाहिए बोलना है, जो चाहिए बोलना बोल करके पूछते रहते हैं। भाई मैं कुछ भी नहीं कहा, हमको जो भोजन मिल रहा है, नहीं आपको कुछ बोलना होगा, कुछ चाहिए बोल के बार बार बोलते हैं। तो मैंने लल्ली जी से कहा, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है ना 32 दिन का है, 31 महीना का कॉन्ट्रैक्ट है। हम 1 महीने के लिए आई, मेरी परमानेंट नौकरी नहीं है, मुझे पता है। जन्माष्टमी के बाद में अथवा सप्तमी के बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है 25 तारीख को। फिर आप अपने जगह में मस्ती में रहो, मैं मेरी मस्ती में रहता हूँ, मुझे पता है। ये परमानेंट नौकरी थोड़ी है कि मैं इसीलिए ये लाओ वो लाओ ऐसा करो ऐसा करो, नहीं। मैं भी आवश्यकता को कम कर रहा हूँ। इसलिए सभी को समझना चाहिए कि मैं, हमारे से कुछ होता नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एक बात कह दूँ, हम मैं करते हैं ना, मैं हूँ। आप अपनी इच्छा से कह दूँ, तकलीफ नहीं होगी ना, महाराज तो बड़ा खतरनाक है बोलोगे फिर। आप अपनी इच्छा से अजमा करके देखना, जिसको कब्जियत की शिकायत हो, जिसने कब्जियत पाल रख कर पाल के बैठे हो उनके लिए खास, सुबह जाते हो ना फ्रेश होने के लिए, आप अपने मन से लेट्रिन भी नहीं कर सकते हो, दूसरा क्या करोगे? क्या चीज हो आप? किस चीज की मई? हम हमारे इच्छे से न तो खा सकते हैं, न सो सकते हैं, है? न बैठ सकते हैं, न उड़ सकते हैं, न मलमूत्र त्याग कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए लालदास जी को पता चला, उन्होंने मई को मार दिया। इसलिए कहते हैं, जैसी आज्ञा धनी की सो बात गुजरे, जैसे धनी आज्ञा करते हैं, धनी जैसे नचाते हैं, उसी प्रकार से मैं नाचता हूँ। और आगे कहा, पहले मूल अद्वैत में, वाह, उस अद्वैत भूमि का, उस दिव्य परम धाम में, हमारा परम धाम 25 भाग जो खंड में विराज जो विभाजित है, 25 पक्ष है, 25 पक्ष के अलग अलग पक्ष का अलग अलग विशेषता है। और उस 25 पक्ष में बीच में केंद्र बिंदु में क्या है? रंग महल है। और 25 पक्ष परमधाम राज्य का देश है, एरिया है, अद्वैत भूमि का है, लेकिन जो रंग महल है बीच सेंटर में, और वहाँ राजी महाराज का उठना बैठना खाना खेलना सारा काम रंग भवन से ही होता है, और उसको अद्वैत भूमिका कहा, प्रेममय भूमिका कहा, ईश्वरमय भूमिका कहा। वो कैसा? आप जो कोई बड़े परिवार में, बड़े घर में जाते हैं, धनी भर में जाते हैं, राज परिवार में जाते हैं, मंत्री के घर में जाते हैं, और अब हमारे घर का और मंत्री अथवा राजा का घर का रहन सहन, उठना बैठना खाना बोलना चाल ढाल व्यवहार बराबर होता है कि अलग होता है? बताओ। आप बड़े धनी घर में गए हो, राज परिवार में गए हो, और उस राज परिवार का उठना बैठना बोलना खाना है? सोना रूम वगैरह यावत पदार्थ हमारे घर से अंतर होता है। और जैसे हम घर में भोजन करते हैं, भारतीय परंपरा में क्या है, थाली में भात डाल सब्जी डाल करके हाथ से मुछ करके खाने में जो आनंद है, और बड़े सेठ के घर में जाकर के इस प्रकार के खाओगे तो
क्या अब दो आदमी आया यार, खाना भी नहीं आता है, वहाँ तो चम्मच से मुँह हिलाए बिना घर में तो इतना खाते हो, 20-20 रोटी दाब लेते हो, और वहाँ तो एक रोटी डाली है, क्यों? आप बड़े घर में गए हो, धनाढ्य के घर में गए हो, ऊंचे घर में गए हो, तो वहाँ बोलने में विचार करके, वो नल का वगैरह चलाने में भी विचार करके, कहीं ऊपर से निकल जाए पानी, कहीं नीचे से निकल जाए, भीग न जाए, हैं? होता है कि नहीं होता? सत्य कहा ना मैंने, जिसको बोलते हैं फूक फूक करके चलना, और किसी के घर में खाने गए हो और थाली में चम्मच नहीं बजना चाहिए, वो चम्मच का टंग टंग आवाज आए तो भी कैसे आदमी आए यार, धीरे से निकाला चम्मच को, थाली को भी पता न चले और चम्मच को भी पता न चले और मुंह को भी पता नहीं चले कब चला गया। यही है, अब एक धनी के घर में ये सारी सुविधाएं हो तो वो परमधाम कैसा होगा, मैं उतना ही कहना चाहता हूं। एक राजा के घर में इतनी सुविधा हो तो उस ब्रह्म के घर में क्या नहीं होगा, विचार करिए। इसीलिए यहां तहां मूल अद्वैत में भूम जहां इसक, सारी भूमि इसकमय भूमि है, प्रेममय भूमि है, क्या मेरा तेरा नहीं है, और वहां पे नौभम दशमी आकाशी वाला एक दिव्य दरबार है, दिव्य भवन है, जिसका नाम है रंग भवन। लेकिन उस रंग भवन के आगे क्या लिखा है पता है? जैसे हम मंदिर के आगे जाते हैं, मंदिर के मेन गेट में जाते हैं, तो श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर सिरगुड़ी लिखा हुआ आपको मिलेगा। आपने अपने घर में महावीर कृपा लिखा होगा, हनुमान कृपा लिखा होगा, राज कृपा लिखा होगा, कृष्ण कुंज लिखा होगा, कुछ तो घर का नाम लिखा होगा। तो उस घर के आगे क्या लिखा है बताइए, उस बात को बताओगे तो मैं 20 रुपये आपको अभी दे दूंगा। रंग भवन के आगे जो गेट में फ्रंट साइड में क्या लिखा है, उस का जो घर का नाम रंग भवन तो है लेकिन आगे कुछ लिखा है मैं देख रहा हूं, तो नहीं जरूर नहीं, मैंने बन किया जरूर नहीं, पसीना तो आना ही, पसीना का सीजन है चालू है। तो आपको पद्धति हो याद हो, निजानंद संप्रदाय की पद्धति याद हो, कोई बात मेरी चिंता ना करें माता जी, उससे ज्यादा आवाज आने के कारण विश्व देख रही है, इसलिए ज्यादा आवाज आने के कारण मैंने दूर रखा है, पंखा का हवा लग रहा है, गर्मी का सीजन है, आप मेरी चिंता ना करें, सब हो जाएगा। घर अक्षरातीत निवास, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, पद्धति भूल गए लगता है। घर श्री अक्षरातीत निवास, वो निवास इसका है, श्री अक्षरातीत का निवास स्थान, दिव्य परम धाम, परम धाम में मूल मिलावा, और मूल मिलावा में पूरी इसकमय भूमि। अब आज के शब्द में कहा जाए इसकमय भूमि कैसी होगी वो नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा सकता हूं। काश ये मंदिर में पूरा एसी लगी होती, पूरे हॉल में है, पूरे मंदिर में एसी हॉल हो, और उस एसी के हॉल में हम लोग बैठे हो, गर्मी न लगती हो, पंखे की जरूर न हो, तो कितना आनंद आता है। आपको समझाने के लिए हाँ, इसकमय भूमि अद्वैत भूमि कैसी होगी, इस एसी में भी थोड़ा सा आप समझ सकते हो, पूरा एसी रूम हो अथवा एसी हॉल हो, उसमें कथा हो रही हो,
और जा करके पूरे होल में हम लोग बैठे हो और पसीने ना आते हो, खुजली ना होती हो, कुछ तकलीफ ना हो, आनंद से कुर्सी में बैठ करके बड़े दिव्य कथा सुनने को मिले। वाह क्या व्यवस्था की थी और क्या कथा थी, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलेंगे ना। इसी प्रकार वो अद्वैत भूमि, ईश्वरमय भूमि, प्रेममय भूमि, उस दिव्य परम धाम में वहाँ मेरा तेरा ईर्ष्या दोष वगैरह कुछ नहीं है। और एक सखी के दिल में इच्छा हो गई आज मुझे समोसे खाने हैं, तो सारी सखियों की इच्छा वही हो जाती, क्यों? एक दीदी है जिसको वायदत्त कहा गया है। और एक सखी राजी से बात करती है, एक रूहे बात करे हकसो सुख दुजी को होई, और एक सखी राजी से बात करती हो तो उस बात का आनंद सभी सखियों को मिलता है। ऐसे दिव्य भूमि में कौन थे, कौन थे? हम लोग। उस दिव्य भूमि में विचरण करने वाले, चलने वाले, खाने वाले, खेलने वाले और राज्य के साथ में बातचीत करने वाले जिनको ब्रह्मात्माएं कहा, वो हम लोग थे। थे ना माता जी, हाँ? थे। और यहां कहा भोग जहां इश्क, उस इश्कमय भूमि में। और एक दिन क्या होता है, तो यहाँ कुछ बात तो होती होगी ना, घर में बैठे हैं, परिवार बैठे हैं, तो घर में बात नहीं होती है, पति पत्नी में बात होती है, बेटे बेटे में बात होते हैं, वहाँ पुत्र वधू, हाँ, बेटे बहू में बात होती है, कभी सारे घर के परिवार बैठ करके बातचीत करते हैं, इस बार कितना कमाना है, कितना दान करना है, कहाँ जाना है, सब सारा होता है ना। तो परम धाम में भी बातचीत तो होती थी, हमेशा बातचीत होती थी, लेकिन क्या बातचीत होती थी? सखियां बोलती थी, राजी भी बोलते थे और श्यामा जी भी बोलती थी, कुछ बोलते थे, बैठ के बातचीत करते, राजी हम लोग आपको इतना ध्यान रखते हैं, इतना आपसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम तो इतना है कि हम लोग आपको अनंत प्रेम करते हैं, बोल करके जब सखियां कहती है तो उस समय श्यामा जी बोलते बैठो बैठो बैठो, सबसे ज्यादा प्रेम तो मैं करती हूं, मैं तुम लोग से भी प्यार करती हूं और राजी से भी प्यार करती हूं, राजी से भी प्रेम करती हूं और तुम लोग से भी प्रेम करती हूं। और फिर राजी ने कहा, तुमको क्या पता श्यामा जी कि मैं जितना प्रेम करता हूं ना तुम लोगों को, तुम्हारा तो इतना भी नहीं है, बल्कि जा करके राजी ने कहा तो फिर रोज ये झंझट होते ही रहता था, रोज ये खटपट हुआ ही करता था। तो अब हमेशा एक ही बात सखी बोले हमारा प्रेम ज्यादा, श्यामा जी कहे हमारा प्रेम ज्यादा और राजी बोले हमारा प्रेम ज्यादा। तो राजी ने एक दिन ठान लिया, इन लोगों को मैं जब तक मेरा प्रेम नहीं दिखाऊं, मैं दिखाऊं और अपने साहेबी और दिखाऊं इश्क, मेरा इश्क माने प्रेम और मैं क्या हूं, मेरी साहेबी क्या है, मेरा सत्ता क्या है, मैं इन लोगों को बताऊं, बोल करके जब राजी ने ठाना, ठानने के बाद में उसको कार्यान्वित किया, अठाना ठीक ही था, उसको कार्य में प्रणीत किया ना, चौपाई को सुन लेना और याद कर लेना, पहले लिए हके दिल में, पीछे आए महेनूर, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जो। राजी ने ठाना मैं मेरा प्रेम और इश्क इनको बताऊं, तब पता चले इनको कि मैं क्या चीज। और राजी ने ठाना तो तुरंत अक्षर के दिल में भी प्रवेश करा दे, पीछे आए महेनूर, अक्षर के अंदर में मैं यही, और अक्षर में आते ही श्यामा जी में आ गया, श्यामा जी में आने के बाद में सखियों के अंदर में भी आ गया। अब यहां एक ही बात चली कि हमारा प्रेम ज्यादा। अब एक दिन क्या होता है, रोज अक्षर भगवान अक्षर धाम से परम धाम की दूरी 9 लाख कोस है,
और 4.5 लाख कोस में यमुना जी पड़ती है, और अक्षरधाम से पैदल चलकर के अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए रंगमहल में आते हैं, और रंगमहल में ऊपर तो उनको एंट्री नहीं है, अंदर जाकर के प्रणाम महाराज बोल करके, हाँ जैसे हम लोग सब स्वामी जी आते हैं, महाराज जी आते हैं, गुरु जी आते हैं, जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, पास में जाते हैं ना, हम लोगों को रोक टोक नहीं है, लेकिन अक्षर ब्रह्म राज्य के पास में जा नहीं सकते। राज्य के पास ये तो क्या कि रंगमहल के अंदर सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा नहीं सकते, आंगन तक तो आ जाते हैं, चांदनी चौक तक तो आ जाते हैं, लेकिन उस 100 सीढ़ी और 20 चांदा चढ़ करके ऊपर जा नहीं सकते। और रोज दूर से चांदनी चौक से दर्शन करके जाते थे, आते थे, वर्षों हो गया, अनंत अनंत युग बीत गया, लेकिन आज क्या हुआ, जब अक्षर ब्रह्मा आते हैं तो राजी ऐसा थोड़ा ढल करके झुक करके अक्षर को ऐसा देख लेते हैं, देखने के पश्चात सभी की नजर उधर जाती है, क्यों, पहले लिए हके दिल में हो चुका है, आज तक न श्यामा जी को पता था, न सखियों को पता था, न अक्षर को पता था, और आज देखा सभी ने नजर की, तो वहां राजी जैसा ही दूसरा एक पुरुष को देखा, देखने पर राज सखियों को आश्चर्य हुआ कि इस परम धाम में, इस रंग भवन में आज तक हम लोगों ने राज्य के अलावा किसी पुरुष को देखा नहीं था, ये कौन है, और कितना बजे, 9 बजे के समय प्रथम पर, और जाकर के राज्य से पूछा, धनी वो कौन है, वो पूछने वाले भी हम ही लोग हैं, हम लोगों ने राजी से पूछा, धनी वो आपका जैसा पुरुष कौन है, और राजी ने कहा वो मेरा बाल स्वरूप है, मन स्वरूप है, सतंग है, बोल के बोला कहाँ रहते हैं, अक्षरधाम में रहते हैं, और क्या करते हैं, बाल लीला करते हैं, अब इतनी बात हो गई तो अब जा करके 9 बजा 10 बजा सखियाँ जो साग भाजी लेने के लिए जंगल में गई, साग भाजी लेकर आई, सैया खेती का वन में जावे, साग पान मेवा सब लावे, ये सब इच्छा से मंगावे, पर सखियन के मन भावे हो गया, भोजन बन गया, लाल भाई आकर के कहा धनी जी की आज्ञा माऊ तो या समय रसोई लाऊ, श्री धनी जी आज्ञा करी, चौकियान आगे धरी हो गया, सब भोजन परिसा लाया गया, खिलाया। अब भोजन करने के बाद में उस अद्वैत भूमिका में तेजीभूम के प्रसाद से इसको देखा, चांदनी चौक में तेजीभूम के प्रसाद से। अब भोजन करने के बाद में राजी और श्यामा जी श्रृंगार करे देहलान में, आरोग्य भूम मंदिर इतनी दीदार अनुर का जित पौड़े पलंग अंदर नीलो पीलो मंदिर में, श्याम श्वेत के नीलो पीलो मंदिर में शयन किया। अच्छा राज श्यामा जी तो शयन करते हैं, सखियां कहाँ शयन करती है दिन में, सखियां दिन में कहाँ शयन करती है, हाँ बोलो बोलो आवाज काढ़ो, हाँ जिसको रात्रि का मध्य रात्रि का स्वरूप याद हो वो डंक के चोट में बता पाएगा, और जिसको मध्य रात्रि का स्वरूप याद नहीं है वो नहीं बोल पाएगा, ऐ करेगा हैं। अब जो मध्य रात्रि का स्वरूप जिसको याद हो, मैं भी काफी दिन से बोला नहीं हूँ, भूल भी सकता हूँ, लेकिन जितना याद हो आप मैं सुना दूं, श्री राज श्री ठाकुरान जी तीसरी भूम के नीलो पीलो मंदिर से पौड़न से उठे, क्या उठने की बात की, लेकिन सखियां कहाँ जाती हैं, पूरे 25 पक्ष में जहाँ इच्छा हो वहाँ जाती है,
25 पक्ष का एक बार उन्होंने बैठ करके स्वार कर लेती है। और यहाँ जब आने के समय की बात उसमें की है, कहाँ कहाँ से आए, तो सिरा श्री रघुनाथ जी तीसरी भव्य नील पीलो मंदिर से पौड़न से उठे, तखत पर विराजमान भाई। अपुन, अपुन शब्द महाराष्ट्र में ज्यादा प्रयोग होता है, अपुन, हम जी बम्बई है, अपन अपन शब्द बोलते हैं, अपने को अपन बोलते हैं। अपन सब सखियाँ आए, आए के कोई बड़पेग से, कोई फुलबाग से, कोई नूरबाग से, कोई खड़कोली से, कोई ताड़बन से, कोई ताड़बन के हिंडोले से, कोई मधुबन से, कोई महाबन से, कोई पुखराज से, कोई पुखराज की तराड़ी से, कोई बंगलन से, कोई जमुना जी के सातों घाटों से, सब सखियाँ आए आए के सिरराज श्री ठाकुरान जी के चरण में लगी। इतनी जगह में सखियाँ जाती हैं और आज भोजन करके गई। भोजन करके जाने के बाद में इन लोगों ने मीटिंग किया कि आज हमेशा राजी पूछते हैं कहाँ आज कहाँ जाना है। कितने लोगों की आदत होती है घर में भी, खाने वाले भी पूछते हैं और बनाने वाले भी पूछते हैं, लेकिन बंदी तो रोटी ही है। आपके घर वाले पूछेगी आज क्या बनाए जी, बोलेगी, फिर आप बोलोगे जो बनाना हो बना लो ना बोलोगे, और फिर वो रोटी सब्जी ही बनाएगी है? और यदि नहीं पूछा तो रोज पूछती थी, आज क्यों नहीं पूछी, गुस्से हो गई क्या, ऐसा भी लगता है। लेकिन बनाने वाले पूछे आज क्या बनाए जी, क्या खाओगे, और रूटीन में जो बनता हो बना लो, नहीं आप बोलो बोलो कुछ बोलो, तो फिर दाल भात बनाओ बोलोगे तो सुबह तो खाया था बोलेंगे, फिर रोटी बनाओ बोलोगे तो फिर जो है कि नाश्ते में किया था बोलोगे। लेकिन पूछते हैं, और राजी भी हमेशा पूछते हैं सखियों को कि सखियों आज अपने को कहाँ जाना है। और जब राजी ने आज कहाँ जाना है, तीसरी में जो तीसरी भंग के प्रसाल में आ गए, दरवाजा खुल गया, दर्शन खुल गया, तब राजी ने सुखपाल को आज्ञा दी, सुखपाल के तरफ नजर किया, नजर करने के बाद में इधर जब सखियों से पूछा आज कहाँ जाना है, तो रूटीन में तो पाठ घाट जाना है, इसलिए बाणी में पाठ घाट की बात बहुत आती है, पाठ घाट जाना था आज। लेकिन सखियों ने कहा आज कोई घाट नहीं जाना है, वन में नहीं जाना है, आज तो सुबह जिस अक्षर को हमने देखा था, जिस पुरुष को देखा था, उस अक्षर का खेल देखना है, वो कैसे क्या करते हैं। अब फिर राजी ने कहा वो देखने लायक नहीं है, दुखदाई है, वो दुख कैसे होता है, तो फिर बोला कि कोई माँ बनता, कोई बाप बनता दुख होता है, कोई बेटे बनते बहू बनते, इधर उधर सारी इस प्रपंच की बात राजी ने वही कर दी। जन्म होता है, मरना होता है, बूढ़ा होना होता है, रोगी होना होता है, ये लोग पूछते गए क्या होता है, मरना क्या होता है, जन्म क्या होता है, बूढ़ा क्या होता है, रोगी क्या होता है, पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, पूछते गई। राजी मना करते गए, लेकिन इसमें क्या है, हिंदी में कहावत है, ऊपर से मना करें मानो कि आग लगी हो, और आग बुझाना है बोलते रहे, और पानी के जगह में घी डालते रहे तो आग बुझेगी। आग लगी और पानी डालने पर तो आग बुझ जाती थी, लेकिन आ पानी के जगह में यदि आग जो घी लगा दिया जाए, घी डाल दिया जाए, तो आग तो भड़कना है। राजी अंदर से तो मलम पट्टी ऊपर से तो करते रहे, लेकिन अंदर से जाओ तो अच्छा। कभी कभी ऐसे मेहमान आते हैं, ऐसे पाहुने आते हैं, आने के बाद में जाने की बात ही नहीं करते हैं, फिर टिक्स करना पड़ता है, फिर उनको बोलो अब मान मान जाना, अब जाना है बोलते हैं, तो अब क्या रहो ना, दो चार दिन रहो, क्या जल्दी दो चार दिन रहो, कहना पड़ता है। और जाऊँगा बोले तो खुश हो गए, अच्छा अच्छा जाओ, तो नहीं जा सकते हैं, और अंदर से तो कब जाए ऐसी इच्छा होती है, लेकिन जो जाने की बात ही नहीं कहते, मान मान जाने की बात की,
तो भी ऊपर से कहना पड़ा, दो चार दिन रह लेते, अभी तो आप आए थे 15 दिन ही तो हुआ है, 2-3 महीना रहते हमें भी अच्छा लगता, कहना पड़ता है। लेकिन अंदर से रखने की इच्छा तो होती नहीं। इसी प्रकार जैसे आपको यहाँ करते हैं वहाँ भी ऐसे ही करते थे, राजी ने भी ऐसे ही किया, बोले कि अंदर से तो जाए तो अच्छा, जाए तो अच्छा बोले, और बाहर से नहीं जाओ, देखने लायक नहीं है बोल करके बोले, मना करते रहे, हम भी डट करके रहे, और आप मना किए 3 बार, हम भी मांगते रहे और वो मना करते रहे। समय कितना हुआ था? 4:15 का समय कट चुका है। तो 4:15 का समय तीसरी भूमि के पश्चिम बैठ करके हम लोग मसलहत सलाह कर रहे हैं, और उसमें जोर जोर से बोलने वाले भी हम ही लोग थे और नहीं माने, इसीलिए राजीव महाराज ने क्या किया, तीजी भूमि से दूसरी भूमि, तीसरी भूमि से दूसरी भूमि में हम लोगों को लाए, दूसरी भूमि से प्रथम भूमि में लाए, और यहाँ से जाना हो तो 166 मंदिर का जो चांदनी चौक, चांदनी चौक में 2 वृक्ष लाल हरे वृक्ष, और उससे आगे जाएंगे तो 100 सीढ़ी और 20 चांदा जाने के बाद में बड़ा 2 मंदिर का धाम दरवाजा, और मोटा मोटी हिसाब से देखा जाए तो 6-6 हजार मंदिर को पार करके दोहार आगे गए, और गोल चौर सभी लोग पार करके 5वां चौक जिसको मुलमिलावा का चौक कहा जाता है, और जो मुलमिलावा का चौक कहा जाता है उस मुलमिलावा में लेकर के आए, और मुलमिलावा में हम लोगों को राजी लेकर के आए, और हम लोग 3 लाइन में बैठे, राजी सिंहासन में बैठे, और जिसको मुलमिलावा याद हो वो तो धन्यवाद के पात्र है। हम लोग मेहर सागर तो खूब करते हैं क्योंकि मेहर है, कृपा है, मेहर करने से राम मेहर सागर करने से राजी पैसे देंगे, धन्ना में बरकत होगा, सब कुछ बोल के हम लोग मेहर सागर तो खूब करते हैं, लेकिन मुलमिलावा करना भूल गए, और मुलमिलावा करना नितांत तो जरूर है सुंदर सा जी, और जब तक मुलमिलावा नहीं करोगे ना तो परम धाम में एंट्री नहीं होगी, मुलमिलावा करना ही पड़ेगा, और 42 के 42 उपाय याद करो तो आप प्रणाम करने योग्य हो, धन्यवाद के पात्र हो, लेकिन 42 उपाय याद न हो तो 6 चौपाई तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कितना? 6 चौपाई। वो 6 चौपाई कौन है? ऊपर के 3 चौपाई, शुरुआत के और अंतिम के 3 चौपाई, सिर के 3 चौपाई और पग के 3 चौपाई, अंतिम के 3 चौपाई, वो क्या है एक बार बोल दिया जाए। इन विदसा सा बोलना है, इन विदसा थे बताए दे जीवाना श्याम समाजी साथ जी जीता बैठे चौकवतना याद करो स्वे सायता जो हंस ने माया खेला सुखे लखुशाली लेके उठ की जे अब सूरत कई राखिए मोल मिलावा माहे श्याम समाजी साथ जी तले भूम बैठे हैं जाए ये मोल मिलावा अपना नजर दीजे ईता पलक न पीछे फेरिए जो ही सकाम न उजाता ए मूल सा
स्वरूप है अपना, जाको कहे परात्मा, सो परात्म संग लिय के विष्ण से संग खसम। श्री मामति कहे मोमिनो करो मूल स्वरूप वर्णन, मेहर करिमा शोकने लीजे रूह के अंतस्करण, लीजे रूह के अंतस्करण। इसको बार 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 कैसे सलाद के तरह नहीं, सब्जी के तरह नहीं, चटनी के तरह पीस करके। अब तो सिद्धबटा चला गया, जब हम मिक्सर में मिक्सी में चटनी पीसते हैं तो उस मिक्सर में पीसी हुई चटनी की तरह बार 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 अनंत बार। जब मूल मिलावा कहते, मूल मिलावा शब्द सुनते ही पूरा मूल मिलावा का नक्शा नजर के सामने ना जाए तब तक आप रटन करते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए। क्यों? सूरता एक ही राखी मूल मिलावा माए। ये मूल मिलावा 42 रुपए का है। अरे छह और छ भी नहीं कर सकते हो तो कुछ तो करो। शुक्रवार का कौन सा परिक्रमा आता है उसको भी बोला जाए। प्रथम भोम शोभा, सभी बोलो। आपका आवाज क्यों दबा हुआ है? प्रथम भोम शोभायति भारी थे सिंहासन श्री युगल बिहारी, सिंहासन कंचन मणि सोए निरखि अरखि सखिया मन मोए, सखिया सर्व शोभायति सुंदर 64 धाम बतकियों के अंदर, बसर भूषण तेजति तामदे बैठे ननी जुगल किशोर, जुगल किशोर शोभा की नमी गाई, रिमामती जुगल पर वारी वारी जाई। प्रथम भूम शोभाय अति भारी बैठे सिंहासन श्री जुगल बिहारी। सिंहासन कैसा है? सिंहासन कंचन मणि सोहे निरखी देख करके हरखी, निरखी हरखी मनमोय मेरा मन को मोहित कर रहा है। सखिया सर्वे स्वभाव अति सुंदर 64 थम्मा तकियों के अंदर, सखिया जो 64 थम्मा के जो थम्मा लगे हुए हैं उसमें सट करके तकिया के साथ में आसन बिछाया है, उस आसन में सखिया 3 लाइन में बैठी हुई है। बीच में हमारे धनी, हमारे प्रियतम, हमारे ठाकुर जी सिंहासन में विराजमान है, जिसको हम प्रेम से राजश्यामा कहते हैं। अब राजी सिंहासन में बैठ चुके हैं, सखियां 3 लाइन में बैठ चुकी हैं। और 3 लाइन कैसी है? 2000, 4000 और 6000 की लाइन है। समझने के लिए स्वातसी राजसी और तामसी बोल करके संज्ञा दिया गया है, और यहां ला करके राजी ने बैठा दिए। और क्यों लाए थे? चलो मैं तुमको खेल दिखाता हूं। खेल दिखाने के लाए थे और खेल दिखाने के लिए राजी भी बैठे, और खेल देखने के लिए हम लोग भी बैठे। और राजी ने कहा, सखियों तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम भूल कर अभी भी सोचो, समय है, अभी भी चेतो। अब तुम खेल देखने जा रही हो और ऐसा खेल दिखाऊंगा कि इस खेल को प्रारंभ होते हुए, इस खेल को चालू करते हुए तुम जब देखने लग जाओगी, तुम अपने आप को भूलोगी, परमधाम को भूलोगी, मुझे भूलोगी, कुछ भी पता नहीं चलेगा, बोल करके कहा। और सखियां बोलती हैं, महाराज धनी हम इतने कमजोर नहीं है,
आप जितना कमजोर समझ रहे हो ना, इतने कमजोर हम लोग नहीं हैं। हम भी परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं, आपके साथ में रात दिन रहने वाली हैं। कमजोर मत समझिए। और राजी ने कहा फिर मैं देखता हूं, लेकिन तुम भूलोगे, मुझे पता है। लोग क्या कहते हैं, असत्य हो ना, असत्य को भी 100 बार तक आप है बोल के बोलोगे तो सत्य हो जाता है। पंचतंत्र में एक कथा आती है, कैसे होता है। एक पंडित जी थे, कर्मकांड करते थे, तो कोई मरा होगा, वो क्रिया में जाते हैं ना, तो गोदान करने की परंपरा है। तो एक गाय की बछड़ी पंडित जी को दिया, बड़ी अच्छी थी बछड़ी, और पंडित जी बड़ा खुश होकर के आगे आगे, पंडित जी पीछे पीछे गाय को दोरी में तानते हुए ले जा रहे थे। और 8-10 लड़कों ने विचार किया कि पंडित से इस बछड़ी को छीन लेना है, वो फंडूस लड़के होते हैं ना, बदमाश। इन लोगों ने मंडली बनाई और 5 लड़के यहाँ बैठे, 5 थोड़ा आगे बैठे, 5 आगे बैठे, 3-4 जगह ऐसे टोली टोली होकर के बैठे, टुकड़ी टुकड़ी गैंग करके बैठ गए। और पंडित जी रास्ते से जा रहे थे, अरे कहाँ पंडित जी आप भी आ रहे, रे रे रे। आप ब्राह्मण होकर के, पंडित जी होकर के इस बकरी को कहाँ ले जा रहे हो, और गाय की बछड़ी को बकरी कहा। और पंडित जी ने डांटा, नहीं फटाई बोलते हो, गाय की बछड़ी है, मुझे दान में दिया है। हाँ बा पंडित जी, कलयुग है, और आप भी सीधे साधे ठहरे, आपका यजमान भी ऐसे मजाक किया, आपको भले गाय की बछड़ी लगती हो लेकिन है तो बकरी ही है, बोला। और सुने बिना थोड़ा आगे चले गए, चौक जितने आगे गए वहाँ भी 2-3-5 आदमी बैठे थे, लड़के जो मंडली थी। पंडित जी राम राम, कहा राम राम किया, राम राम राम। कलयुग तो देखो, ब्राह्मण होकर के आप बकरी लेकर के जा रहे हो, शर्म नहीं आई आपको, आप सठिया गए क्या, बोल के कहा। तो पंडित जी पीछे देखने लगे, उनको तो गाय दिख रही है, बछड़ी दिख रही है, बच्चों लड़कों को बकरी दिख रही है। तो ऐसा हाथ फेरा, है तो गाय है। अब अंदर डर लगने लगा, घर नजदीक आ रहा था, गांव नजदीक आ रहा था। तो फिर आगे चले, पंडित जी राम राम, बकरी तो बड़ी अच्छी लगी, कितने में लाई हो, बोल के कहा। अब उनको लगा कि वास्तव में बकरी है क्या। अब 5 पहले बोला, दूसरे ने बोला, तीसरी बार बोल रहे हैं तो मुझे विचार करना पड़ेगा ना, बकरी है क्या। अब तुमको बकरी लगती है, मुझे तो गाय, बोले आपको लगे आप सठिया गाय हो, कोई बात नहीं, गांव में जाओ तो पता चलेगा, गांव वाले सेवा करेंगे आपके, बोल करके कहा। तो फिर चौथे नंबर के बदमाश वहाँ सेवक रोड इतने दूर पहुँचे थे, तो वहाँ बोला तो भाई बकरी है तू ले जा, बोल के छोड़ के चले। वो बकरी नहीं थी, गाय थी, लेकिन बार बार कहने पर उनको मानने में मजबूर कर दिया कि बकरी है तू ही ले जा। राजी ने भी हम लोगों को मजबूर कर दिया। राजी बोल रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी साधारण आदमी नहीं बोल रहा है। तुम दुनिया में जा करके भूल जाओगे, ऐसा खेल दिखाऊंगा कि तुमको अपने कोई पता नहीं चलेगा, मुझे भी पहचानोगी नहीं, घर में नहीं पहचानोगी, भूल जाओगी, बार बार कहा। तो पहला तो हम लोगों ने क्या कहा, 100 बार देखो अजमाए के मोमिन भूले न कोई, एक बार नहीं महाराज, 100 बार आपकी हमारी परीक्षा ले लो, हम भूलने वाले में से नहीं। अब तो बार 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 राजी ने कहा तो डर लगना शुरू हो गया, हम डर गए हम लोग। तो आपस में क्या कहे, वो शब्द याद है क्या बोला था आपने, हे देखो रोज का हमारा बैठक कैसा था बताओ, रोज हम लोग किस प्रकार से बैठते थे, 3 लाइन वो खींच खींच के नहीं, छोटा छोटा
आज बोला थोड़ा नजदीक आओ नजदीक, कदाच भूल गए तो राजी तो बोल रहे हैं, इसलिए मैं भूलूं तो तू मुझे तुरंत दीजो जगाए, मैं भूलूं तो तू, यदि मैं भूलूं तो तू मुझे जगाना और तू भूल, मैं तो है ही हूं। आपस में सलाह किया और नजदीक आइयो। तो रोज की हमारी बैठक मिलिट्री बैठक थी, तो आज मिलिट्री बैठक नहीं है। आज जो दाड़म दिखाया ना आपने अनार, वो दाड़िम के दाने के तरह हम लोग सट कर करके बैठे, तीन लाइन है लेकिन एकदम घीच बैठे, हवा भी पास न हो। अब डर लग गया ना, कहीं भूल जाएंगे, अलग अलग होंगे, दूर होंगे, बुलाया नहीं सुनेगा तो। तब एकदम सट करके बैठा, सखियां बैठी के भी दाड़िम की कलियां देवी, दाड़िम के कलियां के तरह हम लोग बैठे। अब वहाँ राजी ने आते आते एक उपदेश दिया, वो उपदेश वो चिट्ठी 83 चौपाई में है, उसका तो मैं वर्णन नहीं कर पाऊँगा लेकिन सारांश बताऊँगा। वो चिट्ठी आपको पढ़ना हो, आप स्वरूप साहब पढ़ते हो तो उसको समझ के पढ़ना। खिलवत ग्रंथ 11वां प्रकरण, कितना 11वां प्रकरण, 83 चौपाई है। वो हम लोग आते समय राजी ने अंतिम उपदेश क्या कहा, किस प्रकार से हम लोगों को समझाए, जैसे लड़की शादी करके जाती है ना, डोली में बैठने का समय, अब डोली नहीं रहा, गाड़ी में बैठने का समय होता है, और जो अंतिम विदाई देते समय माँ बाप बोलते हैं, 25 साल तक लड़की साथ में रही, कभी भी माँ बाप ने वो उपदेश नहीं दिया, बेटी को नहीं समझाया, लेकिन जब शादी हो जाती है, जब जाने का बरात निकलने का समय होता है, विदाई का समय होता है, तब माँ बाप बोलते हैं, आपको भी कुछ तो बोला होगा, बहुत सारे शादी वाले बैठे हैं, हाँ कुछ तो बोला होगा ना आपके माँ बाप ने, क्या बोला, बेटा तेरी यहाँ से डोली जा रही है इस घर से, और उस घर से तेरी अस्थि निकलेगी, और तू कुछ भी कर लेकिन हमारा नाक बचा करके ही कार्य करना बेटा, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना, बस। लेकिन अभी तो वही माँ बोलती है, तुम हमारे क्या ना बोलती है, रोज फोन करके लड़की का घर बिगाड़ देती है, हैं? अब राजी ने भी, हम लोग खेल में आ रहे थे, आने का समय हुआ, उस समय राजी ने कहा, खिलवत हक कहा दीरू, राजी श्यामाजी और सखियों का खिलवत, क्या बोला, जा रहे हो, मैंने तो नहीं जाओ कहा था, तुम लोग नहीं माने, कोई बात नहीं जाओ। लेकिन वहाँ जाने के बाद में तुमको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इस दिव्य रंग भवन को भूल जाओगे, इस मुलमिलावा को भूल जाओगे, तिजी भूम के प्रसाद को तुम भूल जाओगे, और मुझे भूलोगे, तुम अपने आप को भी भूल जाओगे, एक साधारण इंसान के तरह तुम हो जाओगे, तुमको कुछ पता नहीं रहेगा, स्मृति विहीन हो जाओगे, कहा तुम तो भूल जाओगे, लेकिन मैं तुमको भूल नहीं सकता, हमसे तुम्हारा दुख दर्द देखा नहीं जाएगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चिट्ठी लिखता हूं, चिट्ठी लिखता हूं। उस चिट्ठी को पढ़ना, पढ़ के इस घर को याद करने की चेष्टा करना। राजी ने कहा, और राजी हम लोग ब्रह्म सृष्टि दुनिया में आने से पहला राजी ने हमारे लिए चिट्ठी भेजे, वो चिट्ठी क्या है पता है, इस दुनिया में जितने भी सत शास्त्र है, चार वेद, छह पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 4 कथेब, संतवाणी आदि ग्रंथ को भेजा,
इतिहास को भेजा, संत वाणी को भेजा और वहाँ कहीं कहीं किसी किसी जगह पे उस परम धाम की बात की। इस चिट्ठी को पढ़ना, मैं भेजूंगा, बोल करके बोला ठीक है। फिर राजी कहते हैं इस चिट्ठी से तुम लोग जगने वाली नहीं, मैं जानता, मैं ऐसे खेल दिखा रहा हूँ कि उस चिट्ठी से तुम नहीं जागोगे, चिट्ठी पढ़ोगे किसने भेजा, कहाँ है परम धाम, कहाँ है राजी बोलोगे, चिट्ठी तो पढ़ोगे लेकिन विश्वास नहीं होगा। बाद में मैं तुम्हारे लिए सद्गुरु भेजूंगा, हादी को भेजूंगा और हादी सद्गुरु तुम्हारे जैसा ही स्वरूप धारण करके आएंगे, मनुष्य रूप में ही आएंगे, तुम्हारे जैसे ही होंगे, तुम्हारे साथ में बैठ करके भोजन करेंगे, पानी पियेंगे, सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सब तुम्हारे जैसे ही होंगे, लेकिन बात परम धाम की करेंगे। हादी मीठे सुकन हक के कैसी तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रो से पर होश में आवे न कोई, लेकिन तुम जागृत नहीं हो। सदगुरु आएंगे, सत्संग करेंगे, परम धाम की बात करेंगे, सारे मेरा वृतांत सुनाएंगे। हादी मीठे सुकन हक के कैसी तुम्हें रोए रोए, तुम अभी सुन सुन रो से पर होश में आओ, होश में नहीं आओगे फिर इतने में छोड़ दोगे ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। हादी के बाद में, सदगुरु के बाद में मैं स्वयं तुम्हारे लिए आऊंगा, मैं आऊंगा। इसीलिए राजी को कहना पड़ा, हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, फिर मैं आकर के तुम लोगों को जागृत करके ले जाऊंगा, वैसा कहा। इस बात को 83 चौपाई में राजी ने कहा। अंतिम चिट्ठी परम धाम से आते समय राजी ने हमें जो उपदेश दिया उसको जरूर पढ़ना। अब यहाँ इस सारा प्रेम संवाद हुआ, मूल मिलावा में आकर के बैठ गए और मूल मिलावा में आकर के बैठने के बाद में डर भी है और आनंद भी है, खेल देखने का आनंद है और भूलने का डर है, और इस बीच में अक्षर को आदेश दिया, अक्षर तुम भी चालू रहना, हमारी ब्रह्मस्थितियाँ आ रही है, हमारी पटरानी आ रही है, हमारी अर्धांगना आ रही है, इनके लिए व्यवस्था करना। अक्षर ने सुंदर ब्रह्मांड का रचना किया। बैठे बैठे अब यहाँ एक फरामसी का पर्दा पड़ा, बोलते हैं पिक्चर चालू होने वाला है, उस पिक्चर को देखने के लिए हम लोग मूल मिलावे में बैठे हैं और काला पर्दा पड़ा, फरामसी का पर्दा पड़ा, उस पर्दे को पढ़ते ही हम लोगों को ऐसा लगा बैठे तो हैं मूल मिलावे, राजी के चरण तले, राजी का चरण पकड़ के बैठे हैं, परम धाम को छोड़ करके दूर भी नहीं गए। राजी ने कहा दूर तो ले जाऊंगा नहीं, यही रखूंगा, और सब उनके कहे मुताबिक हुआ। और जब हम लोगों ने देखना प्रारंभ किया, देखते देखते हम लोगों को लगा हम लोग ब्रजमंडल में आ गए, तब हम जाने गोकुल घर। बोलो श्री कृष्ण का नैया लाल की। सखियों को ऐसा लगा कि हम गोकुल में पहुंच गए, और इधर अक्षर देखने लगे, और अक्षर को क्या देखने की इच्छा थी, सखियों को तो दुख रूपी खेल देखने की इच्छा थी। जिस दिन अक्षर ने राजी को देखा 9 बजे के समय में, आहा, सखियों के साथ में राजी रहते हैं, कैसा प्रेम रोहसु, कैसा प्रेरणा अपने बड़ा बड़ी रूहाना, बोल करके लगा कि श्यामा जी क्या करती होगी, सखियाँ क्या करती होंगी, क्या खाते होंगे, कैठते बैठते होंगे, क्या होगा इनका, चलो काश देखने मिल जाता। अक्षर ने इच्छा किया, अक्षरातीत के महल में प्रेम सकव्रत, सो सुध अक्षर को नहीं किन विद के लग रत, उसको देखने की इच्छा थी, तो चलो अक्षर को भी दिखा लेते हैं, सखी को भी दिखा लेते हैं, सखियों को बोल करके। अब जब राजी ने तैयारी की,
और हम लोगों को ऐसा लगा तब हम जाने गोकुल घर बोल करके प्रकटवाणी में कहा। इधर अक्षर ब्रह्म ने, अक्षर ब्रह्म का कार्य क्या है, बाल लीला करना, बनाना, मिटाना। तो जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं वैसे अक्षर ब्रह्म भी खेलते हैं। हमारे बच्चों का खेलना और अक्षर का खेलना में थोड़ा अंतर है। अक्षर थोड़ा बड़ा खेलते हैं, हमारे बच्चे थोड़ा छोटा खेलते हैं, इतना ही अंतर है। तो अक्षर ब्रह्म आँख के एक पलक झपकते ही करोड़ों ब्रह्मांड को बनाते हैं और करोड़ों ब्रह्मांड को का प्रलय भी कर लेते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजर में आवे, छीन में देख के पल में उड़ावे। बनाना मिटाना, करोड़ों ब्रह्मांड बनाना मिटाना, आँख के एक पलक झपकते ही करोड़ों ब्रह्मांड बनते थे और करोड़ों मिट जाते। उनका कार्य ही वही। अब प्रणामी धर्म दर्शन अनुसार, प्रणामी दर्शन अनुसार ब्रह्मांड तो अक्षर बनाते थे, मिटाते थे, लेकिन इस बार इस ब्रह्मांड में जो अक्षर ने मटेरियल माने सामान यूज किया है, जो मटेरियल उन्होंने लगाया है वो अलग प्रकार का है, ध्यान रखना। ब्रह्मांड तो बनते हैं, मिटते हैं, पहले भी बनते थे, आगे भी बनेंगे, बीच में भी बनेंगे, लेकिन इस बार के लिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा, तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ न हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई ब्रज रास और जागने के तीन ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड दोबारा नहीं बनेंगे। क्यों, आगे ब्रह्मांड बनेंगे, पीछे भी बनते थे, लेकिन इस ब्रह्मांड के लिए प्रणामी धर्म दर्शन प्राणनाथ जी की वाणी क्या कहती है, दोबारा ऐसे ब्रह्मांड नहीं बनेगी। क्यों, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला हो गई, इस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं आ गए, राजी आ गए, सदगुरु आ गए, प्राणनाथ जी आ गए, छत्रसाल जी आ गए, गुरु मंगलदास जी आ गए, गुरु पितामृत सिंह आ गए, गुरु सदानंद महाराज आ गए, गुरु मनपिरेचार्य जी आ गए, हम सब आ गए। अगले ब्रह्मांड में तारतम नहीं होगा, तारतम नहीं होगा, सर्व साहेब नहीं होगा, ब्रह्म सृष्टि नहीं होंगे और ब्रह्म नहीं होंगे, ब्रह्मांड बनेंगे, लेकिन उस ब्रह्मांड में राजी नहीं होंगे, राजी की बात नहीं होंगी, ब्रह्म सृष्टि नहीं होंगे, ब्रह्मांड तो बनेंगे। इसलिए प्राणनाथ जी को कहना पड़ा, तीन ब्रह्मांड हुए जो अब, ऐसा हुआ ना हो सी कब। इन तीनों में ब्रह्म लीला भाई, ब्रज में भी ब्रह्म लीला भाई, रास में भी ब्रह्म लीला भाई और जागने के ब्रह्मांड में भी ब्रह्म लीला हो गई। इसलिए कहा, अब जाग देख सुख जागनी, ये सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों का यामी भोग बन करके कहा। अब यहां कोई आपको पूछे, प्रणामी धर्म दर्शन के अनुसार सृष्टि कैसे बनी बोल करके कोई आपको प्रश्न करे तो क्या बोलोगे, हमको तो पता नहीं जी, भूल गए हैं बोलोगे है? कोई आपको पूछ के प्रणामी धर्म दर्शन अनुसार के ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हो गई, सृष्टि कैसे बनी, कोई आपको पूछेगा तो जवाब है बोलना पड़ेगा, प्रकट मणि याद करना पड़ेगा। अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख संयर रहते धरें, पीछे सुखो होशी सबन पसर से चौदह भुवन, आगे क्या, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादन की कहूँ आप वेदी, बोलते बोलते आगे जाओगे एटले या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते थीर चर सब। दो चौपाई में प्राणनाथ जी ने पूरी सृष्टि का वर्णन किया, पूरा बैराग का वर्णन किया,
या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण या थे थीर चर सब। अब यह अक्षर ब्रह्म जब खेल देखने लगे तो वहां अक्षर ब्रह्म ने क्या किया कि गर्भोदक समुद्र को देखा और वह निर्जीव अवस्था में जो है कि एक जो इंडा सुवर्ण इंडा को तैरता हुआ देखा, उसके बाद में हजारों वर्ष तक इंडा निर्जीव अवस्था में रहा, फिर उसमें अक्षर का मन प्रवेश किया, इंडा फूटा, अंडे के फूटने के बाद में क्या हुआ, वहाँ एक पुरुष प्रकट होता है जिसको नारायण कहते हैं। और नारायण का अर्थ होता है वो नर, वो पुरुष जो पानी में जिसका घर हो उसी को नारायण कहा जाता है, पानी में बैठना। और जो आदि नारायण भगवान इसको कहा, नारायण ने क्या कहा, चारों ओर देखा पानी पानी है, और देखने के बाद में उन्होंने बोला कि क्या करूं मैं अकेला, तो उन्होंने बोला एको हम बहुश्याम कहा, मैं एक हूं बहुत हो जाऊं कहा, फिर उसमें शेष साई नारायण बने, शेष साई नारायण के नाभि कमल से, नाभि से कमल निकला, 1.5 लाख कोस योजन ऊपर जाकर के खिला और वहाँ त्रिदेव की उत्पत्ति हो गई। त्रिदेव आपस में थोड़ी देर तो झगड़ा किए, फिर वह सावधान हुआ, माया आ गई, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जन्म में हुई तीनों की नार, निर्लोपे काउन लोप ही नारी है पर नहीं आकार बोल करके तीन देवी प्रकट हो गई, लक्ष्मी सरस्वती और सावित्री। अब जाकर के भगवान ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने की जवाबदारी दी गई, विष्णु को पालन करने की जवाबदारी दी गई और जाकर के शिव को संहार करने की जवाबदारी दी गई। अब यहाँ से फिर सृष्टि प्रारंभ हो गई और अनंत जीव बने और अनंत बारम्बारे करते करते 28वां द्वापर युग में ब्रजमंडल बना। और ब्रजमंडल बनने पर वहाँ सारे देवी देवताएं वगैरह यहाँ आकर के बैठे और अच्छे अच्छे लोग भी थे। और इसमें अब ब्रह्मांड बनने पर अच्छे भी लोग होते हैं, खराब भी लोग होते हैं, तो यहाँ ब्रजमंडल बना, 84 कोस ब्रजमंडल, उसमें मथुरा नगरी बना और महाराज उग्रसेन वहाँ का राजा बने और उनका पुत्र जो कंस था वो भी बना और कंस का अत्याचार आदि बढ़ते रहा। तो जब कंस का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी देवी बड़ी दुखी हो गई और पृथ्वी ने दुखी होकर के जा करके भगवान से कहा कि मेरे भार को हरो, मैं बड़ी परेशान हूँ, अधर्मी लोग बढ़े गए बोल के कहा तो हम लोग इस बार कुछ नहीं कर सकते हैं, कंस गोलोक धाम का वतनी है तो ऊपर की शक्ति लाना पड़ेगा बोल करके जब क्षीरसागर में गए, क्षीरसागर से प्रार्थना की पुरुषोक्त से। और जब भगवान ने आकाशवाणी से कहा पृथ्वी दुखी है मैं जानता हूँ, आप सपत्नी के साथ में आप लोग सभी देवताओं जाकर के पृथ्वी में अवतार लेकर के बैठो, मैं अवतार लेकर के आने हुआ बोल करके आकाशवाणी सुनी। और उस आकाशवाणी के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि सभी तुम ब्रह्मंडल में जाओ और सपत्नी के साथ में जाकर के तुम जो भगवान की सेवा के लिए उपस्थित रहो बोल करके कहा। और इसमें अक्षर ने इतना कर लिया, परमधाम में 1 सेकंड नहीं हुआ है, आने की तैयारी चल रही है और इस प्रकार से ब्रह्मांड बन करके तैयार हुआ, ब्रजमंडल तैयार हुआ और वो गोपियाँ वगैरह सब आ गए। अब यहाँ राजी ने जब आदेश दिया खेल प्रारंभ होने पर, सखियों की सुरता जब ब्रजमंडल में आ गई, आने के बाद में सखियाँ खोजने लगी हम कब मिलस अपने धनी, हमें अपना धनी कब मिलेंगे, हमारे प्रियतम कहाँ मिलेंगे, कहाँ होंगे, सखियाँ खोजने लगी। अब यहाँ वसुदेव देवकी की शादी होती है, शादी होने के बाद में और धामधूम से शादी करके जब देवकी की विदाई होती है तो उस समय आकाशवाणी द्वारा सभी को पता था दिया जाता है, कंस जिसको तुम रथ में बैठा करके ले जा रहे हो
उसकी आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु के कारण बन जाएगी, बोलकर के आकाशवाणी ने कहा। और आकाशवाणी सुनकर के कंस तलवार लेकर के तैयार हो गया देवकी को मारने के लिए। और देवकी को मारने के लिए तैयार होकर ऊपर माथे नहीं बैठ मारने के लिए तैयार होकर के बैठा, तब वसुदेव जी ने बहुत समझाए कंस कि हाँ शरीर वा का बोल करके कहा आकाशवाणी को दिखाया कुछ नहीं, लेकिन आकाशवाणी ने कहा कि इसमें आठवीं संतान इसकी तुम्हारी मृत्यु के कारण बन जाएगी बोल करके जब कहा। और कंस उग्र होने पर वसुदेव बड़े बुद्धिजीवी थे, शांति से समझाया, भैया आप क्या कर रहे हो, एक तो आपकी बहन है, दूसरी अभी अभी शादी हुई है, शादी में पहने हुए कपड़े को भी उतारा नहीं है, तुम मारने जा रहे हो, अब बहुत समझाने पर कंस नहीं माना। तो वसुदेव जी ने उनको धमकाया, वसुदेव जी बोले ऐसा कमजोर मत समझना, भले तुम्हारी बहन हो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी बन चुकी है और इसके रक्षा करने हमारी जवाबदारी है, और मैं भी हाथ में दही जमा करके नहीं बैठा हूँ, मैं युद्ध कर सकता हूँ, ठीक है आप साले हो इसीलिए मर्यादा रखता हूँ, अलग बात है मुझे भी युद्ध करना आता है, बोल करके वसुदेव जी ने कहा। और कंस थोड़ा ठंडा हुआ, तब वसुदेव ने कहा तुम चाहते क्या, देवकी से तो तुमको कोई तकलीफ नहीं भला नहीं है, बच्चे से तकलीफ है तो जितने बच्चे मेरे होंगे, मेरे घर में देवकी के गर्भ से जितने बच्चे प्रकट होंगे उस सारे के सारे तुमको दे दूंगा, बोल करके कहा। समझौता पक्की हो गई, वसुदेव जी वचन के बड़े पक्के थे, बोल करके फिरते नहीं थे, पहला वचन का कीमत था, वचन का कीमत नहीं रहा, पहले तो दिया था वचन से दे दिया तो सारा काम हो जाता था, अब घर गए, समय हुआ वर्ष दिन, कथा में तो फटाफट हो जाता है, अभी शादी हो गई, अभी जान की विदाई हो गई बराती की, अभी बच्चा भी होगा, लेकिन आपको मैं एक प्रश्न करता हूँ और कल बताना, अभी बताओ तो भी कोई बात नहीं है, अभी तो फटाफट शादी विवाह हो गई, बच्चा भी हो गया, कम से मार भी देगा। वसुदेव देवकी कितने साल तक कारावास में रहे बोलो, हैं? बोलो बोलो बोलो, 11 साल, कितना आवाज निकालो ना, कितना 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 हैं? कितने साल सुनीता जी, 40, चार और बिंदी, धन्यवाद। वसुदेव और देवकी 40 साल तक कारावास में रहे, और बोलोगे कहाँ से लाए आप, तो किसी ने नहीं कहा, बोलोगे बोलोगे ना, खुलासा किताब पढ़ना, खुलासा किताब पढ़ना, रोज पारायण पढ़ते हो, कल जिसके भाग में खुलासा किताब आए वही बताएं। कंसे कारागार में वसुदेव देवकी क्यों बंद, भांजे मारे कई दुख दिए राज कियो बंद, इसी में आगे जाकर के बोलते हैं, काफर के बंद में रहे वसुदेव 40 वर्ष, वसुदेव देवकी 40 साल तक कारावास में रहे, वो 40 साल की घटना, लेकिन कथा में तो फटाफट हो ही जाता है। अब यहाँ बच्चा हुआ, कंस के यहाँ पहुँचाने से पहला वसुदेव जी के लेकर के जाने तैयार हो गए, देवकी जी नहीं माने, मत देना कहा, बहुत रोई, और कौन माँ चाहती है कि बच्चे को दें और कंस मारे,
और वसुदेव जी ने बहुत समझाया, देवी नहीं, मैंने वचन दिया है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। देवकी नहीं मानी, न मानने पर वसुदेव जी को कहना पड़ा तुम बच्चे को चाहती हो या मुझे चाहती हो, आर पार की लड़ाई होगी आज, तुम बच्चा रखोगी तो मुझे छोड़ना होगा और मुझे हम चाहिए तो बच्चे को छोड़ना होगा, हम वचन दे चुके हैं। जब दिवस की बात आ गई तो वसुदेव को देवकी ने दिया। तो सारी कथा में कल से सुनाऊंगा, बहुत कथा है, आप लोगों ने सुने ही कहाँ है, आप लोग समझ निकाल नहीं सकते हो। यदि मुझे 3 घंटा दोगे, मैंने पहले दिन कहा था, यदि 3 घंटा दोगे तो मैं आप सबको कथाकार बना दूंगा, सभी कथाकार बन जाओगे, इतनी खासियत तो है। और लेकर के गए, जाने पर कंस को दिया, कंस ने देखा बड़ा सुंदर बालक है और बच्चे तो सभी के अच्छे होते हैं, इंसान के बच्चे तो अच्छे होते हैं, जानवर के बच्चे भी अच्छे होते हैं, कहते हैं ना। अभी हमारे आसाम में बहुत जो वो पिक सुअर बहुत आ गए हैं और मैंने देखा वो चाय के बगान में उनके बच्चे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मन करता है इनको आश्रम में ले जा करके पालें, ऐसा लगता है इतने अच्छे छोटे छोटे बच्चे, बड़े साफ सुथरे अच्छे होते हैं और शोर के भी बच्चे अच्छे लगते हैं, तो इंसान के बच्चे तो अच्छे ही लगते हैं और उसमें भी जो है वसुदेव देवकी के बच्चे तो और अच्छे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कंस ने देखा, इधर देखा उधर देखा, देख करके बोला ठीक है इसको ले जाओ, इसको ले जाओ। बोला क्यों? कि मेरा तो 8वां नंबर का है ना, आकाशवाणी तो 8वां नंबर की संतान तुमको मारेगी ऐसा कहा था, तो 1 नंबर है, तो अभी आप इसको ले जाओ ऐसा कहा। फिर वसुदेव जी ले करके आए, देवकी को दिया, लेकिन वसुदेव को पुत्र वहाँ रखने पर तकलीफ भी नहीं हुई और लाने पर हर्ष भी नहीं हुआ। क्यों? दुर्जन आदमी किधर फिर जाए पता ही नहीं चलेगा, इसीलिए नीति में कहा दुर्जनस्य प्रथम मंदे सदन, दुर्जनस्य प्रथम मंदे सदनस्य तदंतरम बोल करके कहा। दुर्जन को पहला प्रणाम करना कहा है, सज्जन को बाद में करना कहा। क्यों? सज्जन गुस्सा होगा तो उतना नहीं बिगाड़ेगा जितना दुर्जन बिगाड़ेगा, है कि नहीं? इसलिए कोई दुर्जन हो उसको पहले आप तो आप ही हैं, आपके बराबर तो कोई नहीं, गल के प्रणाम करें, फिर सज्जन से तदंतरम सज्जन को फिर बाद में प्रणाम करें। और इसी के नीचे कहा है दुर्जन और जो सज्जन में अंतर कितना कहा, आप 2 दिन बरस नहीं करोगे ना, हाँ 2 दिन बाद कोई फेर नहीं पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मुंह गंदा आएगा, नुकसान ज्यादा नहीं होगा, लेकिन एक दिन एक टाइम, एक दिन एक टाइम, 2 दिन नहीं, लेटरिन जाकर के लेटरिन नहीं दोगे तो कपड़े भी बिगाड़ देंगे, कब बिगड़ जाएंगे, आप भी गंदे हो जाएंगे, सारा चौपट हो जाएंगे। नीति ने कहा, मैंने नहीं कहा, गलत मत समझ, सज्जन को मुंह कहा और दुर्जन को कहा। अब यहां दुर्जन कंस ने एक बच्चे को वापस किया, वसुदेव को हर्ष नहीं हुआ, लेकर के आए, इतने में नारद जी आ गए, क्या चल रहा है, बैठाए आरती करती की, पगचंपी किया, चरण धोया,
और नारद क्या चल रहा है वसुदेव जी ठीक हैं सारी बात की ठीक है अच्छा है और कुछ हुआ कि नहीं अभी तक। अरे एक बच्चा हुआ था फिर क्या किया आपने? मैंने वापस कर दिया। बोले क्यों? वो तो एक नंबर था ना, मेरा तो आठ नंबर पर नुकसान करने वाला है, एक नंबर तो कुछ नहीं करेगा बोल करके कहा। तो नारद जी ने कहा रे कंस तुम भी बड़े बुद्धू हो, देवताओं की भाषा तुम समझोगे नहीं, बड़े कूटनीति वाले होते हैं, चालू होते हैं लोग तो। बोल करके यहाँ अलग अलग संता ने अलग अलग बात कही है। किसी ने नींबू कहा, किसी ने कमल, आठ पंखड़ी वाले कमल लाके इधर से गिना तो इधर आठ होता है, इधर से गिना तो इधर आठ होता है बोल करके कहा। लेकिन लालदास ने क्या कहा? मैं लालदास की वितक कर रहा हूँ, इसे लालदास की बात ज्यादा करूँगा। मामती मन से प्रणामी मन से मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं प्रणामी की बात ज्यादा करूँगा। लालदास ने क्या कहा? लालदास जी कहते हैं नारद जी आठ नींबू गोल नींबू लेकर के आए, नींबू लाइन सर रखा और इधर से गिना तो इधर आठ हुआ, इधर से गिना तो इधर आठ। किस आठ मानोगे? इसमें से आपका आठ कौन है? अब तो मानना पड़ेगा। मैंने छोड़ा वो आठ नंबर भी हो सकता है, आने वाला भी आठ नंबर हो सकता है। तो अब क्या करो? आपको जो करना करो, मैं क्या बोलूं? तो बालक को मंगा करके तुरंत शिला पे पटका और उसका राम नाम सत्य हो गया। ऐसा करते करते छह बालक को कंस ने मारा। सातवां नंबर का बालक बलदेव शंकरसन बलदाऊ बड़े भाई, अब यहाँ पे महादेवकी के गर्भ में बलदेव ने प्रवेश किया। छ महीना हो गया, छ महीने पूरे हुए, सातवां बैठने वाला था और भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को बुला करके कहा भगवान अपने से कोई काम नहीं करते हैं, हजूरी रखना पड़ता है। मुझे भी लोग बोलते हैं हजूरी रखो महाराज, एक हजूरी रखो बोलते हैं। बोला अभी 10-15 साल तो मैं चला लूँगा, बाद में देख लूँगा बोलता हूँ, अभी तो हजूरी नहीं रखा। कृष्ण की एक हजूरी है, एक सेविका है और उस सेविका को बुलाया, उसका नाम है योग माया। और कृष्ण ने कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपी अलंकृतम, गोप गोपी द्वारा अलंकृत ब्रजमंडल में आप जाओ और वसुदेव की पत्नी रोहिणी के देवकी के गर्भ में जो बालक है उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दो। वैसा कहा तब योग माया आ गई और रात्रि के समय में योग माया ने देवकी के गर्भ से बालक को लेकर के शंकरसन माने खींच करके रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया। भारतीय विज्ञान, आज के डॉक्टर बोलते हैं हमने इस खोज को किया बोलते हैं, यह गर्भ ट्रांसफर करने परंपरा करने का परंपरा तो जो है द्वापर युग से हमारा है। देवकी के गर्भ में से बालक को ट्रांसफर करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। भारतीय विज्ञान, भारतीय चिकित्सा, ये तो ऋषियों का वैज्ञानिक का देश है। लेकिन हम लोगों ने हम अपनी बात को कह नहीं सके, इसीलिए दूसरे ने लाभ ले लिया, कोई तो ले गई ही। अच्छा, यहाँ तक की बात तो आपने सुनी होगी। देवकी के गर्भ में से बालक को रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया, इस बात को आपने सुना, सबने सुना। आगे की बात सुनी, आगे क्या हुआ? ट्रांसफर हो गया, बात पूरी हो गई भाइयों। इस कथा को तो आपने अनंत बार सुना,
लेकिन जब रोहिणी देवकी के गर्भ में से बालक रोहिणी के गर्भ में गया तो रोहिणी के बारे में आप कुछ सुना आपने? कुछ नहीं सुना। ये कथा तो 3 साल पहले मेरी होने वाली थी। यहाँ जिस साल गुरुजी यहाँ कथा करने आए वो पहले मेरी बात चली थी, लेकिन हमारे यहाँ पारायण होने के कारण फिर गुरुजी ने कहा कि तुम घूमो, नहीं तो बाद में दौड़ धूप नहीं होगा। वो जो हुआ सेवा, बाद में मेरा ऑपरेशन भी हुआ, तो उसी साल आपको सुनना था, लेकिन 2 साल हम लेट से चल रहे हैं। आपको आज नई बात सुनाता हूँ। जब रोहिणी के गर्भ में बालक को भेजा गया तो रोहिणी तो ये बोल नहीं रही कुछ बातें, रोहिणी की तो बातें ही नहीं हो रही है। क्या रोहिणी चुपचाप बैठी, रोहिणी खुश हो गई, रोहिणी को तकलीफ कुछ कुछ पता है? कभी कभी आपने रिसर्च किया ना? आपने पूछा ना किसी ने बताया। इसीलिए कहा समय से पहला और भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता है। आपको आज ही मिलना था इस बात को, आपको आज ही आज के तारीख में सुनना था, इसीलिए छिपा के राजी ने रखा। हमसे पहला दूसरा कोई कह देता तो आपको, वो तो उसने बोला था बोलते, इस बात को राजी ने हमारे लिए ही रखा था। जब खा पी करके रात को सो गए नंद भवन में, रोहिणी नंद जी के यहाँ रहती है। अब जब सुबह उठती है, सुबह उठने पर जब सुबह 4 बजे 3 बजे उठी, जब उठी 6 बजे उठी हम लोगों के तरह, जब सुबह बिस्तरा से रोहिणी जग जाती है तो उसका तो 7 महीना का पेट लेकर के उठती है। 7 महीना का। अब क्या हुआ होगा, वो डायरेक्ट बाहर निकल सकी होगी? हैं? रात को नॉर्मल खा करके भी सोई हुई, सुबह 7 महीना का बच्चा जो है कि पेट में है, कैसे हुआ क्या हुआ कोई पता नहीं है। बाहर निकल नहीं सकी 7-8 बजा, और माता जसोदा को बुलाया गया। माता जसोदा को बुला, जसोदा गई और दीदी क्या करूं, दीदी मैं तो मर गई। बोले क्या हुआ? अब क्या नहीं हुआ, आज मेरे पेट में 7 महीना का बच्चा जो है पेट में आ गया है, ये कैसे हुआ क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्या करूं मैं, कैसे बाहर निकलूं, बोलकर के रोहिणी कहने लगी। तो उस समय नर्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, डॉक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, उसको धाई बोलते हैं लगभग, जो बच्चा पैदा करने में मदद करती है। उसको बुलाया, बुलाने के बाद में पूछा कैसे हुआ, रोहिणी पूछती है और जो जसोदा जी पूछती हैं ये कैसे हुआ। तो उस समय धाई ने कहा, कभी कभी ऐसा होता है, कब होता है, आपका कभी अधूरा महीना का बच्चा गिरा था? बोल के पूछा तो हाँ पहला एक बार हुआ था, वही अधूरा महीना का बच्चा गिरा था वही पुनर्जीवित हुआ, बोल के उसने ऐसे ही बोल दी, ऐसा ही बोल संतोष के लिए, मन मनाने के लिए, उसको भी पता नहीं है। अरे विश्वास होगा, चलो वह बाहर निकली नॉर्मल हो गया, 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद में बलदेव जी का जन्म होता है। अब इस बात को कैसे लाया महाराज, बोल के पूछो ना, मैं बताने तैयार हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया, आप कैसे बताए। लालदास जी की ब्रजराज करके किताब है, लालदास जी द्वारा लिखित, वो मेरे पास में है, लेकर के आया हूँ, और कल से कृष्ण कथा जो होगी इसी के आधारित होगी, इसी के आधारित होगी, लालदास जी के ब्रजराज इस ग्रंथ से, इसमें लिखा हुआ सारी बात मैं आपको बता रहा हूँ। कल आपको चौपाई भी सुना दूंगा, आज समय हो चुका है। मैंने सोचा था कि आज कृष्ण प्रागट्य करूँ, लेकिन कल रविवार है, सुंदर साथ भी ज़्यादा होंगे, तो आज बलदेव जी के जन्म के बाद में कथा बंद होगी, कल श्री कृष्ण प्रागट्य हम लोग करने वाले हैं। आपको सजाना करना हो तो करा सकते हैं, और कल शुरुआत में ही
कृष्ण प्रागट्य उसके बाद में ब्रजलीला शुरू होगी। तो आज इन्हीं सात शब्दों के साथ में आज की बाणी चर्चा को 5 बज चुके हैं या अभी तक चर्चा को पूर्ण करते हैं। तो आज अभी चौबाई को यहाँ दोहरा करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहले मूला द्वैत में भोम जहाई सक होम जहाई सक तहाँ प्रेम रब्द में भया हुक्म हाक भया हुक्म हाक। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री पितामहरदास जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्यार।